अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीपताज है, मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ और इस टाइम मैं अर्बन ड्वेलिंग के लेबर कैंप में हूँ। काफ़ी लोग जो होते हैं जब वो साइट के ऊपर जाते हैं उनको ये नहीं पता होता कि बैकग्राउंड में कितनी सारी वर्किंग हो रही होती है। इस वीडियो में आपको बैचिंग प्लांट के बारे में बताऊँगा और ओवरऑल इस लेबर कैंप के बारे में बताऊँगा। जब आप कंक्रीट, जो कि ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है, जब आप बनाते हैं तो उसमें सिर्फ चार चीज़ें होती हैं, एक सीमेंट होता है, एक सैंड होती है, एक एग्रीगेट होता है और एक पानी होता है। जब आप पानी उसके अंदर डालते हैं तो सीमेंट ग्लू का काम करती है और उसको जोड़ लेती है, और एक मैन मेड स्टोन है, एक बहुत ही ऑसम किस्म का मटेरियल है, क्योंकि 70-75% बाय वॉल्यूम वो सिर्फ क्रश्ड स्टोन होता है। आप इमेजिन करें किसी बंदे ने इतनी सस्ती एक चीज़ बनाई है कि 70-75% बाय वॉल्यूम वो स्टोन है, तो उसको मिक्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके प्रोपोर्शंस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें सीमेंट कितना डालें, ज़्यादा डालेंगे तो पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, कम डालेंगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो कितनी स्ट्रेंथ चाहिए ताकि एग्जैक्ट उतना ही सीमेंट डालें, ये बड़ा ज़रूरी है। जब आप हैंड मिक्सिंग करते हैं बेलचे वगैरह से तो उसकी मिक्सिंग उस तरह अच्छी नहीं होती, एक तो स्पीड बहुत कम होती है, प्लस क्वालिटी नहीं आती। उसके बाद फिर एक चीज़ स्टार्ट हुई थी, अभी भी होती है, मिक्सर मशीन, वो एक डोल होता है जो घूमता है, वो काफ़ी प्रिसाइस है, हैंड मिक्सिंग से काफ़ी बेहतर है, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेड स्पीड है और उसके अंदर जब मजदूर थोड़े से थकते हैं तो उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो थोड़ा सा इशू होता है। ये जो है, ये ऑफ साइट एक चीज़ है, बैचिंग प्लांट मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये भी एक सोफिस्टिकेटेड किस्म का मिक्सर है। इसके अंदर जो रेत और क्रश है उसके हॉपर्स हैं, जिनको एक लोडर जो है वो साइड से उस जगह के ऊपर बार बार भरता रहता है, वहाँ के उसके नीचे एक कन्वेयर बेल्ट है जो मिक्सर तक जाती है। उसके अलावा जो सीमेंट है उसके लिए पूरा साइलो है, वो यहाँ पे सीमेंट का बल्कर आता है जिसको वो भरता है, या अगर सीमेंट की बोरियाँ तो खोल के उसके नीचे हॉपर में डाली जाती हैं तो सीमेंट उधर से चला जाता है। साथ एक पानी का टैंक है, साथ पानी उसके अंदर आता है, और फिर कुछ एडिटिव्स हैं जो कि साथ ही डाले जाते हैं उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिसाइजर हो गया, एक्सेलरेटर हो गया, रिटार्डर हो गया, कोई भी इन्हेंस करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का मिक्सर है जिसको हम बैचिंग प्लांट करते हैं, ये बैच करता है कॉन्क्रीट को। जब ये बैच कर लेता है तो फिर हम ये करते हैं कि ट्रांजिट मिक्सर जो है, जो आपको अक्सर रोडों पे दिखती है पीछे से घूम रही होती है, तो वो उसके अंदर